नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस की इस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज से हम स्टैटिक्स और डायनेमिक्स टॉपिक के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछे गए थे, वो आज से शेयर करना शुरू कर रहे हैं। उनका विस्तृत हल भी साथ साथ में डाल रहे हैं कि दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, एसीएफ, एफआरओ जो एग्ज़ाम है, तीनों में ही ये टॉपिक पूछा जाता है। और जनरली इस टॉपिक से स्टूडेंट्स ज़्यादा उसको पसंद नहीं करते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को। लेकिन दोस्तों, मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी इस वीडियो में और आगे की वीडियो में कि आपको ये टॉपिक की जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो अधिक से अधिक आपको समझ में आए और आपकी इस टॉपिक के बारे में जो अवधारणा है कठिन टॉपिक के, वो मैं बदल सकूँ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिया है, प्रयुक्त संकेतों से गतिशील कण का स्पर्श रेखीय त्वरण मतलब टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कौन सा होगा। मुझे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल dv/dt वाला होगा, या d2s/dt² वाला होगा, या vdv/ds वाला होगा, या सभी। दोस्तों, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि जो स्पर्श रेखीय त्वरण होता है वह तीनों रूपों से लिखा जा सकता है, अर्थात dv/dt भी लिख सकते हैं, इसको हम d2s/dt² भी लिख सकते हैं, इसको हम vdv/ds भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्थिति में हमारा जो ऑप्शन नंबर डी आएगा वह सही होगा। इसके बजाय अगर हमें पूछा जाता कि भाई अभिलंबित त्वरण कौन सा है, अभिलंबित त्वरण, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि अभिलंबित त्वरण कौन सा है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, हम जानते हैं दो प्रकार के त्वरण होते हैं, एक स्पर्श रेखीय त्वरण और एक अभिलंबित जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है, तो जैसे कि नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है v² / रो, और हम जानते हैं रो जो दोस्तों वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता त्रिज्या है। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न, यदि किसी कण के अरीय मतलब रेडियल और अनुप्रस्थ अर्थात ट्रांसवर्स वेलोसिटी एक दूसरे के समानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल हैं, तो उसके मार्ग का वक्र होगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2014 फर्स्ट ग्रेड, 2012 फर्स्ट ग्रेड और उसके अलावा एक बार सेकेंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सीधा याद कर लें क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो दोस्तों देखिए, हमें दिया हुआ है अरी वेग समानुपाती अनुप्रस्थ वेग के, तो हम जानते हैं अरी वेग का फॉर्मूला क्या है, दैट इज आर डॉट इज प्रोपोर्शनल टू अनुप्रस्थ वेग का फॉर्मूला आर थीटा डॉट। अब जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो मुझे कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया है आर डॉट इक्वल टू के आर थीटा डॉट। अब मैं जानता हूँ दोस्तों आर डॉट का मतलब क्या होता है, आर डॉट का मतलब है कि टी के सापेक्ष परिवर्तन, तो dr/dt इक्वल टू के आर dθ/dt। dT अगर मैं हटा दूं और मैं आर को dr के नीचे ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे मिल जाएगा dr/r इक्वल टू के dθ। दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं दोस्तों, मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dr/r इक्वल टू के dθ। dr/r इक्वल टू log r k θ + log c, मुझे एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा स्वेच्छ अचर। अब मैं लॉग सी को दोस्तों लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा लॉग आर माइनस लॉग सी इक्वल टू के थीटा, दैट इज लॉग आर बटा सी का मतलब हो जाएगा मतलब दोस्तों के थीटा। देखिए आगे की टर्म में आर बटा सी इक्वल टू, मैं लॉग हटाऊंगा तो ई की पावर के थीटा, तो मुझे दोस्तों आर इक्वल टू सी का कॉस मल्टीप्लाई सी ई की पावर के थीटा। दोस्तों, यही वह मार्ग है जिसे कि हम समकोणीय कुंतल या इसको दोस्तों हम इक्विलैंगुलर स्पाइरल भी कहते हैं, कि जब दोनों ही प्रकार के वेग एक दूसरे के समानुपाती होते हैं उस स्थिति में हमें यह मार्ग प्राप्त होता है। देखो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि इक्विलैंगुलर स्पाइरल का चित्र कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार का चित्र बनता है, तो इसके आधार पर मैं कंक्लूजन करता जाता हूँ कि जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू 0 से बढ़ाते हैं, तो आप कह सकते हो कि जो आर का मान भी निरंतर बढ़ते हुए इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होता है, कि हम जानते हैं कि आर इक्वल टू सी ई की पावर के थीटा। इसमें आपके दो ही वेरिएबल हैं आर और थीटा, बाकी तो सी और के दोनों कॉन्स्टेंट है। तो जैसे थीटा की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊंगा, 0, 30, 60, 90 कुछ भी रखूंगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो आर की वैल्यू है वो भी बढ़ती हुई जाएगी और इन्फिनिटी तक प्राप्त हो जाएगी। देखिए चित्र से हमको स्पष्ट दिख रहा है कि हमको ये इक्विलैंगुलर स्पाइरल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, एक कण सरल आवर्त गति मतलब SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका टाइम पीरियड टी है, इससे गतिमान है, तो महत्तम विस्थापन के बिंदु से
आधे आयाम के बराबर चलित दूरी में लगा हुआ समय ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, मैं इसके लिए आपको पूरा चित्र जो मैंने बना रखा है वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए चित्र है ए डैश ए, वो एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट मैंने पी लिया है, ओ से पी तक की डिस्टेंस एक्स है, और जो ओ से जो ए है दोस्तों वो आयाम है एम्पलीट्यूड। ए जो है वो हमारा चरम बिंदु है, एक्सटिंग पॉइंट, कण जो है बिंदु ए से ओ की तरफ चलता है उसकी बात हो रही है इस पूरे क्वेश्चन में, कि कण जो है बिंदु ए से ओ की तरफ चलता है, किसी समय टी पर वो पॉइंट पी पर पहुंचता है, ओ से पी तक की दूरी स्मॉल एक्स है, और जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा ए है। तो देखिए हम दोस्तों, इस स्थिति हम जानते हैं आवर्तकाल टी की वैल्यू जो होती है 2π/√μ। अब जो कंडीशन दी हुई है कि महत्तम विस्थापन के बिंदु से चलकर किसी बिंदु जिसकी केंद्र से दूरी एक्स है, पॉइंट पी ले सकते हैं, तक पहुंचने में लगा समय दोस्तों वो हमारा है टी इक्वल टू 1/√μ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये एक डेरिवेशन है जो कि आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखना पड़ेगा। वैसे बुक में आपको मिल जाएगा डेरिवेशन कैसे आया है, कि जैसे जैसे आप बिंदु ए से चलना शुरू किया है, पॉइंट पी पर पहुंच गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको कितना समय लगा दोस्तों, तो टी इक्वल टू 1/√μ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स और ए क्या है मैंने आपको क्लियर कर दिया है, म्यू तो ऐसे कॉन्स्टेंट है। देखिए आगे जो कंडीशन दी है उसको देखेंगे, कि जब कण आधे आयाम के बराबर दूरी चलेगा तो हम जानते हैं कि एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई टू, और यदि इस समय हमारा समय क्या लग जाए टी टू, तो हम कह सकते हैं कि टी टू इक्वल टू 1/√μ कॉस इनवर्स एक्स के दोस्तों मैं क्या रख दूंगा, ए बाई टू, मेरा ए से कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा टी टू इक्वल टू 1/√μ कॉस इनवर्स हाफ। तो मैं कॉस इनवर्स हाफ दोस्तों कितना होता है, कॉस इनवर्स हाफ 60 डिग्री होता है कॉस में, तो उसको मैं लिख सकता हूँ π/√μ। अब देखिए दोनों को कंपेयर कर लें हम, इक्वेशन नंबर वन जो हमने पहले लिखी थी और इक्वेशन नंबर थर्ड, दोनों को कंपेयर करके दोस्तों हम समय निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समय जो है वो क्या है, आवर्तकाल का 1/6 टाइम्स। आवर्तकाल जो हमारा टी है वो जो हम पहले पीछे लिख चुके हैं 2π/√μ, और जो टाइम है जो समय हमको आया है टी टू वो क्या आया है T/6। तो हम जो कह सकते हैं कि समय आवर्तकाल का 1/6 गुना है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 1/6 गुना इस टाइप से आएगा। तो मुझे दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।